मौसम बड़ा हाँ भाई। अरे भाई उसी से मिलने जा रहे हैं। अच्छा आज ही का प्लान था? हाँ आज ही का प्लान था, जा रहा है थोड़ा सेफली जाना, अभी पॉल्यूशन का थोड़ा सा ये बुक कर दिए हो ना। तो भाई धन्यवाद धन्यवाद, तुमको माने नहीं तो तुम्हारे लिए तो करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे सेफली जाना रास्ता का थोड़ा। हाँ भाई अपना तुम्हारा जो भाई है ना सब जानता है। ठीक है भाई हाँ सेफली जाना, लेकिन प्रदूषण बहुत ज्यादा है, लोग कितना गंदगी फैलाते हैं ना, इसलिए तो बोले कि सेफली जाना दिखाई भी नहीं पड़ता आज के दिन। बहुत ज्यादा धुंध नजर आ रहा है आगे, ये प्रदूषण सरकार भी ना कुछ इसके लिए व्यवस्था ही नहीं करती है। सरकार और हमें भी करनी है, और लेकिन क्या कर सकते हैं, देखो हम टेंशन में आ गए हैं भाई, इसके बिना हमारे पास कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, और तुम क्या कर रहे हो कोशिश की? अरे भाई ये भी तो पॉल्यूशन का ही हिस्सा हुआ। अरे सब चलता है भाई, क्या यार कोशिश की। मेरे सामने तो तुम करना मत ये कभी, लेकिन जो है तुम्हारा है। आप तुम्हारे भाई का मूड फ्रेश हो जाएगा, अब मिलने जाएगा। चलो चलो जाओ जाओ, लेट हो जाएगा तुम्हारा जो ये है, जाओ। अरे उठाओ भाई, उठो 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 उठो। अरे क्या हुआ भैया? अरे भाई यहाँ बैठे यहाँ बैठे, कोई एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ पहले यहाँ बैठे, पानी पानी लाइए, पानी 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 लाओ, पानी लाओ, पानी अरे पानी लाओ, कोई पानी 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 कोई पानी लाओ। कौशिक कौशिक, तुमको मैंने मना किया था ना, बहुत दर्द हो रहा है भाई। अरे यार कोई कोई एम्बुलेंस को प्लीज बुला। ठीक है ठीक है, बुला, कॉल कर भाई। हेलो हो जाएगा हो जाएगा। हेलो हाँ, एग्जीबिशन रोड के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। नहीं नहीं 22 साल का लड़का है। अरे बोलिए ना जल्दी आने के लिए, कहाँ है, क्या है, दर्द दे रहा है भाई। हाँ भाई चलाते कैसे हो तुम? अरे भाई कुछ दिखा नहीं आगे। तुमको मना किया था ना कि ऐसा मत किया करो, सिगरेट पी के गाड़ी चलाते हो। अरे भाई प्रदूषण का गलती है भाई। तो प्रदूषण कौन करता है? तुम ही तो करते हो, तुम्हारे जैसे लोग ही तो करते हैं। भाई दर्द दे रहा है। चल यार आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, आगे आगे चल 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 भाई, उठो उठो, सही है सही। क्या जरूरत आना पड़े? अरे भाई प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है। ध्यान से चला करो, जान रहे हो कि हमारे देश में कितना पॉल्यूशन है, कितना लोग इससे जूझ रहे हैं, और फिर भी तुम। अच्छा भाई हो गया तुम्हारा, तो अब थोड़ा मुझे उठने में मदद कर दो भाई, आराम से। दर्द है भाई, दोनों पैर में दर्द, चोट लगी हुई है भाई, नहीं मिलेगा मुझे तो मना कर दे बार बार, फिर भी कोशिश करूँ, ऐसा क्यों कर दूँ यार। सर बहुत चकरा रहा है, मज नहीं रहे हो भाई, ये सर चकरा रहा है इसके चलते। अभी तुम बेड पे पड़े हो, हॉस्पिटल में हो, और तुमको इसकी चिंता भी लग रही है, कुछ बोलो मत। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, दर्द को समझो भाई। मैंने क्या बोला अभी, हॉस्पिटल में हो तुमको और ये सूझ रहा है? तुम हॉस्पिटल में हो ना अभी? बहुत बढ़िया, हॉस्पिटल में हो ना? अगर मुझे कुछ समझते हो तो फिर अभी तुमको ये नहीं करना है कोशिश। प्रदूषण ना भाई, ले मरा मुझे। क्यों क्या हुआ भाई?
एक्सीडेंट हो गया। अरे ये तो बोल रहा था कि हमको ओयो जाना है, बहुत ओयो जाना था, क्यों क्या हुआ? मरी नहीं है? तुमने मजाक मेरा उड़ाने लगे भाई। अरे भैया अंकित भैया थोड़ा पैर में प्रॉब्लम। अरे यार तो क्या हुआ? क्या हुआ? जो आ रहा है पैर में मार रहा है दोस्त। भैया प्रॉब्लम हो तो गया था, बदल ले। अच्छा सजे मिल गए। जो हो गया उसके लिए क्या होगा यार? अभी वैसे पता है सरकार में कोई एक्शन नहीं ले रही है प्रदूषण, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल गया है और सांस लेने में यार बहुत सारा दिक्कत है, एकदम गैस चैम्बर हो गया है भाई। सिगरेट और बता कौशिक तो पूरा पूरा बोलेगा क्या ये बोलने के लायक? आराम करने दो यार तुम लोग, अभी क्यों भूखा नहीं आ गया मुझे? चल बैठे चल मजे को बदले छुट्टा नहीं मारेगा जब तक दिमाग नहीं खुलेगा। भैया कुछ जूझ रहा है की प्रॉब्लम से जूझ रहा है इसको सूरज कौशिक, तुम भैया लोगों के बात पे नहीं आओगे। आम चीज है यार, सब लोग यूज करते हैं भैया। फिर भी सब लोग यूज करते हैं। कौशिक चल 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 फिट हो जाओ, छुट्टा मार फिट हो जाओ भाई। भैया प्लीज रोक लीजिए ना उनको, प्लीज रोक लीजिए। अरे कोई कोई इतना सोच क्या रहे हो कौशिक, तुम्हें इस धुएं की दुनिया से बाहर निकलना ही होगा। हाँ निकलना ही होगा, अपने लिए नहीं तो अपने समाज के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, इस देश के लिए, इस पर्यावरण के लिए। हाँ निकलना ही होगा, दूर फेंक दो इसे, दूर फेंक दो इसे, अपने नज़रों के सामने से दूर कर दो इसे और अपने भविष्य के आने के लिए कुछ अच्छा काम करो, कुछ नाम कमाओ, कुछ अच्छा काम करो। हाँ फेंक दो इसे। हम लोग सरकार को दोष देते हैं प्रदूषण के लिए, लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि प्रदूषण सरकार नहीं हम लोग द्वारा फैलाया जा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, हम तो तुमको यही समझाना चाह रहे थे। हमारे दिमाग में एक तरकीब सूझी है, अगर प्रदूषण हटाना है तो वातावरण स्वच्छ करना है तो अपने घर से ही सफाई शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, ठीक है तुमने कुछ सोचा है क्या? हाँ पानी तुम लोग, अब चलते हैं पेड़ लगाने और साफ सफाई करने, घर के बाहर हम लोग साफ सफाई करेंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे। ये 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 चाहिए था तुम। और तुम सिगरेट छोड़ रहे हो? हाँ सिगरेट छोड़ रहे, चला जाए। बड़ा पानी लाए हो ना? तुम्हारे अंदर इतना जल्दी ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया कौशिक? मैं तो इसी बात को सोच सोच के खुश हो रहा हूँ भाई। किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा ना सबसे पहले। देखो अब इसमें पानी डाल दिए कौशिक, तू और पेड़ लगा रहा है, चल चल लगा लगा, बढ़िया काम। ये तो बहुत अच्छी बात है, कब से बेटा सुधर गया तू? अचानक कौशिक में परिवर्तन है, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। चल चल बढ़िया है, बढ़िया पुण्य मिलेगा आज। मैं ठीक है यार, ऐसे प्रदूषण भी ज्यादा बढ़ गया ना, बहुत सही ज्यादा है, बहुत सही है यार। लगा लगा फिर सही भाई, लगा लगा भाई। अबे पानी थोड़ा दे, पानी डाल यार, और थोड़ा और डाल पानी, तू भी लगा। नहीं यार सब सुधर गया, तो कौशिक लगा रहा है तो भाई। हम तो कहते हैं कि तुम लोग भी ये सब छोड़ करके और कुछ अच्छा काम करो पर्यावरण के लिए, कुछ अच्छा काम करो। तुम लगा रहा है ना यार, तुम लगा ही रहा है तो यार सबको लगाना जरूरी है। अंकित भैया गलत बोल रहे हैं, सही बात है। कौशिक आपको कुछ बता रहा है,
उस बात को सुनिए भैया, आप गलत कर रहे हैं। अरे यार सब पेड़ ही लगाने लगेंगे तो ये सूटा कौन लगाएगा यार, सूटा भी लगाना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग पेड़ लगाने की बात कर रहे थे और पेड़ से दूरी होकर पी लो भाई। अबे यार ये तो सुट्टा मार, तेरा दिमाग पगला भाई। हम सुट्टा मार आज के बाद ये सब काम गंदा काम छोड़ दिए हैं जिसे प्रदूषण को हानि है। अंकित समझा यार भाई वाला। लगा 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 सुट्टा मार मार यार। अबे अबे पगला गए का, माथा खराब हो गया क्या, पागल हो गए क्या तुम भाई? मैं कह रहा हूँ ना, अगर सिगरेट पीना है तो 10 पेड़ पहले लगाओ, उसके बाद जो करना है जो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग का हवा को जो फिल्टर कर रहा है कम से कम उसके लिए तो काम कर ले। हम लोग पेड़ लगा लें, पहले 10 पेड़ लगाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर जितना जो सिगरेट पीना है पी सकते हो। पहले 10 पेड़ लगाओ। हम भैया जूनियर भैया है लेकिन सीनियर वाला बात कर रहा है यार, ये हम लोग को चाहिए भैया, हम लोग का दायित्व भैया सुनिए, और ये हम लोग का जूनियर कर रहा है। ठीक है भाई, मैं तेरा सपोर्ट करता हूँ भाई, इसका मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ भाई, तारीफ करता हूँ भैया। तारीफ नहीं करना, हम सबों को मिलके पौधे लगाने हैं, जैसे जरूर। हर लोग अगर पौधा लगा दिया तो हमारा जो पर्यावरण है वो किस स्तर पे साफ हो सकता है ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारा जो अंदर में बदलाव आया है इसी के कारण आया है, इसी ने मुझे रात दिन समझाया कि भाई ऐसा करना गलत है, कम से कम पेड़ लगाओ, पर्यावरण साफ करो, इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा मिल सके। और ये मेरे से सीखा और आप लोग इससे सीखो जो इतना हद तक इस चीज़ में गया हुआ था और आप लोग भी इस चीज़ में हैं। अगर ये कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं, और ये अगर कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। जरूर जरूर भाई, हम लोग वादा करते हैं कि आज के बाद हम लोग कभी भी धूम्रपान नहीं करेंगे, कभी भी पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे, और हम जितना हो सके हम लोग अपने पेड़ पौधे को बचाएंगे, लगाएंगे और वायु को स्वच्छ स्वच्छ बनाएंगे। भारत माता की जय जय।